दोस्तों हमारे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंग में से भीमाशंकर मंदिर के बारे में बताने वाली हूँ। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। 3,250 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर का शिवलिंग काफी मोटा है, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यहीं से भीमा नदी भी निकलती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण में कहा गया है कि पुराने समय में कुंभकर्ण का पुत्र भीम नाम का एक राक्षस था। भीम का जन्म ठीक उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों होने की घटना उसे किशोरावस्था में अपने माता ने बताई थी। तब भीम श्री भगवान राम का वध करने के लिए नियोजन करने लगा। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने काफी सालों तक कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से हर युद्ध में विजयी होने का वरदान प्राप्त दिया। वरदान पाने के बाद भीम राक्षस आतंक मचाने लगा। मनुष्यों के साथ साथ देवी देवता भी भयभीत रहने लगे। उस समय सभी देव भगवान शिव की शरण में गए और भगवान शिव ने राक्षस को युद्ध में मार दिया। भगवान शिव से सभी देवों ने आग्रह किया कि वे इसी स्थान पर शिवलिंग रूप में विराजित हों। उनकी इस प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकार किया और वे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में आज भी यहाँ विराजित हैं। कहा जाता है कि यहाँ शिव जी के दर्शन करने से स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।